कर भला हो भला। भाई जान मुझे 1 किलो आम दे दे। भाई जान आम मेरे पास थोड़े खराब पड़े हैं, आप सामने वाले ठेले से ले ले। माशाल्लाह प्यारे भाई, आम तो सेहतमंद लग रहे हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये आम खराब हैं? भाई जान दुकान मेरी है ना, मुझे ही पता होगा कौन सी चीज ठीक है कौन सी खराब है। आप वही करें जो आपको बताया है, जाएं। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। मुझे लगता है कि आपने ये फ्रूट बेचने ही नहीं है। फ्रूट तो ठीक है, फिर ये बेच क्यों नहीं रहा? आखिर माजरा क्या है? भाई जान मुझे 1 किलो आम दे दें। जी जी भाई साहब। शुक्र है तेरा मालिक। भाई साहब ये आलू बुखारा कैसे लगाया? आलू बुखारा 400 रुपए किलो है, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं आए। तो भाई बेचने के लिए नहीं आए तो रखे क्यों आए? भाई मैंने ये रखे हुए हैं, मेरी मर्जी। आप इस तरह करें, उस ठेले वाले से खरीद लें। दिखावे के लिए क्या मतलब? बड़ा अजीब बंदा यार। भाई आप गुस्सा ना करें, मुझे ये आलू बुखारा पसंद है, 1 किलो दे दें। लगता है आपको समझ नहीं आ रही, मैंने कहा ना आपसे ये बिकाऊ नहीं है, जाओ उधर ठेले वाले से खरीद लो। अजीब आदमी हो यार, इतना गुस्सा कौन करता है ग्राहकों से? भाई 1 किलो आलू बुखारा दे दें। ए भाई तूने क्या लेना है, क्या सुबह से घूरते जा रहे हो फ्रूटों को? भाई जान लेने तो मैंने भी फ्रूट ही थे, लेकिन आप तो किसी को दे नहीं रहे। हाँ तो जब मैं नहीं दे रहा, आगे वाले ठेले से जाके ले लो ना तुम। देखो भाई फ्रूट तो मैं आगे वाली रेडी से जाकर ले लूंगा, लेकिन मैं वजह जान के रहूंगा कि फ्रूट रखे भी हैं, आप दे क्यों नहीं रहे। हाँ तो ठीक है, जाके पहले फ्रूट खरीदो, बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें, जाओ। मैं फ्रूट तो खरीद लूंगा उनसे, लेकिन वजह जाने बगैर मैं घर नहीं जाऊंगा, वापस आ रहा हूँ मैं। भाई जान 1 किलो आम दे दें, और मुझे एक बात बताएं, वो जो सामने फ्रूट वाला बैठा है वो बदतमीजी क्यों कर रहा है ग्राहकों से? वो जो भी ग्राहक उसके पास पहुंचता है वो कहता है कि जाकर यार सामने वाले ठेले से ले लो, मेरे फ्रूट खराब है, किसी को कहता है बेचने के लिए नहीं है। अच्छा भाई साहब, बंदा तो बड़ा अच्छा है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। चले आप मुझे 1 किलो आम दे दें। हाँ भाई साहब फ्रूट तो मैं ले आया, अब मुझे वजह बताओ कि आप अपने फ्रूट बेच क्यों नहीं रहे हो और हर ग्राहक उसकी तरफ क्यों भेज रहे हो? अरे भाई दरअसल बात यूं है, उसके घर में एक बूढ़ी माँ है जो बहुत बीमार है। मेरी सेल तो अच्छी खासी हो जाती है और उस बेचारे की तरफ कोई नहीं जाता दिन भर में। उसको इस वक्त पैसों की अशद जरूरत है, इसलिए मैं अपने ग्राहक उसकी तरफ भेजता हूँ ताकि एक गरीब बंदे का भला हो जाए। वाकई भाईजान आप ना बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह ना आपके काम में बरकत दे। आज के बाद मैं भी ना उसी से जाकर फ्रूट खरीदूंगा। कर भला हो भला।